हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पुनिशा ब्लाउज डिजाइन। मैं हूं निशा। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं ये जो आप कुर्ता देख रहे हैं, जो कि सेमी स्टिचेड है, कॉलर वगैरह सब नेक बना हुआ है, तो इसमें हमें लाइनिंग लगानी है। वो कैसे लगाना है इस वीडियो में हम वही देखने वाले हैं। ये मैंने 2 मीटर अस्तर लिया है जिसको आपको कट कर लेना है। जो भी आपका मेजरमेंट है उसके अकॉर्डिंग पहले तो मैं यहाँ पर लाइनिंग कट करूंगी। मैंने लाइनिंग कट कर लिया है। अब हम सेम इसी को रखकर जो मेन फैब्रिक है उसे कट कर लेंगे। यहाँ पर मैंने वो भी कट कर लिया है। नेक पूरा बना हुआ है तो हमें सिर्फ चारों ओर से जो है लाइनिंग को अटैच करना है अस्तर में। नेक और शोल्डर का भाग हमें अटैच नहीं करना है। यहाँ पर मैंने बैक और फ्रंट दोनों भी ओर से अस्तर लगा लिया है। अब जो भी आपका नेक है उसे आपको पहले तो ड्रॉ कर लेना है। आप पहले शोल्डर भी अटैच कर सकते हैं। जहां तक मेरा फ्रंट में कट दिया हुआ है वहां तक मैं उसे कट करूंगी। नेक भी हमें ऐसे ही कट कर लेना है। सिर्फ हमें थोड़ी थोड़ी जो सिलाई की जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होता है सिलाई का, उसे हमें रखते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लेना है। मतलब आपको जितना आपको फोल्ड में होगा, जितना हम नेक में फोल्ड कर सकते हैं, उतना आपको एक्स्ट्रा फैब्रिक रखकर ही कट कर लेना है। अब जो भी नेक बना हुआ है उसे हमें सिंपली अंदर की ओर से कपड़ा फोल्ड कर देना है। यहाँ पर मैंने फ्रंट का जो भी नेक है उसे आधे से ज्यादा अंदर की ओर से फोल्ड कर लिया है। आपको भी सेम सिंपली, कुछ ज्यादा हार्ड नहीं है, बहुत ही इजी टेक्निक है ये। सिर्फ आपको अंदर की ओर से पूरा जो नेक है आपको स्टिच कर लेना है और फ्रंट और बैक सेम उसी तरीके से आपको करना है जैसे मैंने वीडियो में दिखाया। देखिए, मेरा फ्रंट वाला नेक जो है वो रेडी हो गया है और वो भी पूरी फिनिशिंग के साथ ये रेडी हुआ है। अब बचा है बैक वाला पोर्शन, इसे भी हमें अंदर फोल्ड कर देना है। यहाँ पर मैंने अंदर की ओर ऐसे फोल्ड कर दूंगी, फिर उसके बाद में शोल्डर जो है वो अटैच करेंगे। नॉर्मल कुर्तीज में जैसे हम शोल्डर अटैच करते हैं वैसे ही करना है। और देखिए, यहाँ पर मैंने शोल्डर भी अटैच कर लिया है। बहुत ही सिंपल तरीका है। सेमी स्टिचेड जो भी कुर्तेज होते हैं, जो ऐसे मटेरियल मिलते हैं रेडीमेड, उसे आपको कैसे स्टिच करना है एकदम इजी वे में मैंने बताया है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताइए। बैक वाला पोर्शन भी मैंने जो भी कॉलर बना हुआ है, जो भी कॉलर बना हुआ है उसे हमें अंदर की ओर मैंने आधे इंच से भी कम फैब्रिक मैंने फोल्ड किया है। ये मेरा पूरा नेक जो है वो बनकर रेडी हो गया है। अब हम नॉर्मल जैसे कुर्तीज में स्लीव्स वगैरह लगाते वैसे अटैच करके इसे कंप्लीट करेंगे पूरे फिनिशिंग के साथ। देखिए, यहाँ पर कॉलर नेक बनकर रेडी है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, तब तक के लिए बाय बाय।